सो गैस किरण इंग्लिश का एक और न्यू वर्ज़न मार्केट में अवेलेबल हो गया है दिसंबर 2023 तक, जो कि अपडेटेड है। अब बहुत सारे बच्चे इस डाउट में हैं क्योंकि उन्होंने किरण 16,800 ऑलरेडी बाय किया हुआ है, इससे पहले कुछ बच्चों ने किरण 16,000 बाय किया हुआ है, इससे पहले कुछ बच्चों ने किरण 14,000 बाय किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये पश्चोपश में हैं कि हम लोगों को क्या ये लेटेस्ट वर्जन बाय करना चाहिए या हमारा काम पुराने यानी कि ओल्ड वर्जन से ही काम चल जाएगा, किरण 16,000 से या 16,800 से या 14,000 से, क्या इनसे काम चल जाएगा या हमें नया वर्जन ख़रीदना चाहिए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि नए वर्जन में कुछ नया है और मुझे ख़रीदना चाहिए तो डेफिनेटली ख़रीदिए, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि टॉपिक्स जो हैं सब कुछ वही सेम रहने वाले हैं जो कि पुरानी बुक में है आपके पास में, सारे टॉपिक इसके अंदर वही रहने वाले हैं सेम, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, यस सभी टॉपिक्स आपके पहले की तरह कवर रहेंगे, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ये ग्रामर के टॉपिक हो गए हमारे पास में। उसके अलावा आपके वोकैबुलरी से साइनो, एंटो, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वोकैबुलरी के टॉपिक हो गए हैं। रीडिंग पोर्शन की बात करें तो फिर वही आपका RC, क्लोज टेस्ट और PQRS आपके हो चुके हैं। फिर उसके बाद में वॉइस और स्पीच, ये दो टॉपिक रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक आपका और है, वो है मिस स्पेल्ड, यस ये भी आपका टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है। तो ये टोटल मिलाकर के 13 टॉपिक इसके अंदर बुक में है। हाँ अगर बात करूँ मैं क्वेश्चंस की संख्या की तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बड़ी है, 16,950 हुए हैं, इससे पहले वाली में 16,800 आए थे। लेकिन अगर आप लोगों ने 16,800 बाय किया हुआ है तो आप उसे ही करें, यस नया करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए मेनली उद्देश्य क्या है कि PYQs करने हैं, आप इसके पहले बेसिस को समझें, एग्ज़ाम के पहले बेसिक को समझें। कम से कम 10 ईयर्स का PYQs करना ज़रूरी है, जो कि किरण 16,800 में भी है, किरण 16,000 में भी है। हाँ ये बात सत्य है कि थोड़ा सा लेटेस्ट आप लोगों के पास पैटर्न होना चाहिए, 16,800 आपकी लेटेस्ट बुक पे ही आधारित है, लेटेस्ट पैटर्न पे ही आधारित है, आप उसको ऑलरेडी करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेस्ट बुक है वो मार्केट में हिसाब से। अगर आपको बुक ख़रीदनी है तो आप, मैं कहूँगा 16,800 ही खरीदें, अगर अभी आपको फिलहाल ख़रीदनी है तो 16,950 आपको लग रहा है कि करनी चाहिए तो कर लेना, पहले 16,800 कंप्लीट कर लो उसके बाद आप इसे कंप्लीट कर लेना आराम से। देखिए ये आप कर लीजिएगा किसी की भी मदद से, चाहे मेरी या किसी की मदद से, इसको आप सेल्फ स्टडी से कर लीजिएगा, ऐसा तो चल सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे कि यही करूँगा, इसी की सिलेक्शन होगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा अपने मन से निकाल दें। PYQs मतलब आपके सारे पुराने एग्ज़ाम्स का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए, रूल्स बार बार नहीं बदलते हैं, एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन बदल जाया करते हैं। यस तो बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करें अपने किरण 16,800 से ही, अच्छी बुक है, बुक ये भी अच्छी है, लेकिन ये उनके लिए जब आप अगली बार तैयारी करेंगे 2025 की, फिलहाल 2024 के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।